मेरा डायलॉग खत्म हो जाता था, उसके बाद मैं रुक जाता था और मैं कैमरा की तरफ देख के बोलता था कि हाँ अब क्या करना है। यस, माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड इन मी एंड माई सिस्टर ऑलवेज बिलीव्ड इन मी। सो वॉट एवर रिलेशनशिप उर्फी टॉक्स अबाउट इन सम इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ इट, दैट्स नॉट मी। Oh God. She never talks about me. That's somebody else, and honestly, even I don't know who that person is. But that whoever it is, वो मेरे बाद आया था। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बड़ी नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज मेरे साथ मेरे शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक ऐसे इंसान है जो सत्य की राह पर चलते हैं, जो बिल्कुल नहीं डरते हैं और जिनकी आंखें बोलती हैं इतनी चीज़ें जो हम इतने एक्सप्रेशन दे दे कर नहीं कर पाते। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम पारस कल्लावत। तो पारस, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। आप हम आपको पहले भी चाह रहे थे बट आपका डेट्स का स्केड्यूल नहीं हो पा रहा था, बट वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पर हो। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था पहले ही आ जाओ, बट देन हियर आई एम टुडे, आज फाइनली। और थैंक यू, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश। सृष्टि आज हमारे साथ थी शो पर, राइट? और आप दोनों ने आपका पहला शो था। मेरा पहला शो था। तो हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस होता है पहले शो, राइट? तो आपका कैसा था? बहुत ही ज़्यादा यू नो, एक ऐसा एक खूबसूरत जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेमोरीज है। और मेरा पहला शो मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि एक जर्नी रही है उससे पहले की, वो जो स्ट्रगल रहा है उससे पहले का। वो स्ट्रगल एक्चुअली ऐसा स्ट्रगल था जो मैं हर किसी को कहता था कि आप लोग कभी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल देखना मत लाइफ। मतलब मैं चाहूँगा नहीं कि जो लोग यहाँ पर मुंबई में आते वो उस टाइप का स्ट्रगल देखें, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। लाइक कई बार मतलब ऐसा हुआ है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता था और वो हाथ से निकल जाता था, और करीब तीन साढ़े तीन साल तक मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। उससे पहले मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने से पहले मैं मॉडलिंग में चला गया था 6 महीना, आई डिड रैम्प शोज। वहाँ से मेरी एक्चुअली जर्नी शुरू हुई थी लाइफ में कि जहाँ पर मैं अर्न करने लगा था। लेकिन उससे पहले आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड माई डैड स्ट्रगल्ड अ लॉट कि वो मैं यहाँ पर बने रहूँ मुंबई में, तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया नागपुर में, दैट्स माई होम टाउन, कि वो वक्त से मुझे पैसे भेजते रहे, मैं यहाँ पर अपनी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करता रहूँ, और जितनी भी जो नेसेसिटीज होती है मतलब घर खाना और जितना भी जो क्लासेस लगाते हैं, जो एक्टिंग क्लास होती है, वो सब कुछ मैं मेंटेन कर पाऊँ, उसके लिए वो वहाँ कोशिश करते थे। लेकिन समहाउ किसी ना किसी वजह से यू नो, बैलेंस नहीं हो पाता था। तो कई रातें ऐसी निकली जहाँ पर मैं बिना कुछ खाए सो गया, कई सारे दिन ऐसे निकले थे जहाँ पर मैं बस से ट्रैवल करता था क्योंकि ऑटो से जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मेरा जिम, मेरी क्लासेस, मेरे जो घर है उससे बहुत दूर होते थे। फिर फाइनली जब मैंने सब कुछ ऑनेस्टली, एक ऐसी लंबी सी एक स्टोरी है जहाँ पर मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में थे बट किसी वजह से वो प्रोजेक्ट्स हाथ से छूट गए, और उसके बाद मैं चला गया उस थॉट में कि शायद मेरा इस शहर में कुछ नहीं होगा। एंड देन आई गॉट अ रैंडम कॉल, देयर इज दिस कोऑर्डिनेटर एंड अ मैनेजर कॉल रुपेश सोनार, ऑफकोर्स, तो यस, हम सबको पता है रुपेश, यस। तो उनका मुझे कॉल आया रैंडमली फ्रॉम नोवेयर, एंड ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी कि आप कहाँ हो, मुंबई में हो, एक प्रोजेक्ट है। अब वो इतना एक 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 ऐसा लड़का जो सारे यू नो अपने थॉट्स गिव अप कर चुका था कि यार कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलता रहेगा, एक प्रोजेक्ट मिलेगा फिर वो हाथ से निकल जाएगा। मैं बोला हाँ हूँ मुंबई में, क्या करना है? यस, तो बोले कि यहाँ पर एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके सामने एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर आप आ जाओ, हम लोग बात कर लेंगे। मैं उठा, चेंज वेंज किया और मैं चला गया। मैं बोला चलो मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट दो मुझे, मैं आता हूँ। मैं पहुँच गया वहाँ पर, उसके बाद उन्होंने बात की, ऐसा प्रोजेक्ट है, स्टार प्लस का शो है, बहुत बड़ा शो है, अच्छा शो है, और वो मुझे जस्ट रोड क्रॉस करके सामने प्रोडक्शन हाउस में लेकर गए। वहाँ पर एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन वहाँ पर जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको पसंद आया, तो उन्होंने प्रोड्यूसर जो प्रदीप सर है, यू नो मैं उन्हें बहुत मानता हूँ क्योंकि मेरे लाइफ का जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो उन्होंने दी थी मुझे भी। यस, प्रदीप सर ना, वही प्रोड्यूसर जो जिनके, यस यस, प्रदीप कुमार।
सो यस, तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी. प्रदीप सर और आरजी सर का वो शो था मेरी दुर्गा, दैट वाज ऑन स्टार प्लस. एकदम नया सा एक्टर था, कुछ नहीं आता था, कैमरा कभी फेस नहीं किया था. और उसके बाद जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की इन द इनिशियल फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, कि जहाँ पर मेरा डायलॉग ख़त्म हो जाता था उसके बाद मैं रुक जाता था और मैं कैमरा की तरफ देख के बोलता था कि हाँ अब क्या करना है, और मेरे जो डायरेक्टर्स होते थे वो इरिटेट हो जाते थे, अरे क्या करना है, मतलब क्या अभी सीन ही ख़त्म नहीं, मतलब शॉट ख़त्म नहीं हुआ तो कैमरा की तरफ देख रहा है. वो सारी जो मेमोरीज है फर्स्ट शो की वो हमेशा याद रहेगी. तो मैं सृष्टि को हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि वो शो बहुत स्पेशल है मेरे लिए. और ऑब्वियसली आई गिव द क्रेडिट्स टू प्रदीप सर फॉर दैट, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिली रहती तो शायद मैं घर पे सो रहा होता, गिव अप कर दिया होता. नहीं, मुझे कई लोग कहते हैं कि यू डोंट नो योर वैल्यू, और मतलब आप खुद से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम. सो हाँ, वो प्रॉब्लम मैंने तब भी नहीं किया, अब भी नहीं करता हूँ. और रही बात दूसरों की, तो मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया. मेरे रिलेटिव्स भी जो रह चुके हैं, जो मुंबई में भी रहते थे, कई मेरी खुद की मासी ने मुझे कई बार कहा था कि यू नो मेरे मॉम डैड को कहते थे तुम लोग वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे इस पे, ये आएगा ये कुछ साल यहीं पे तुम्हारे पैसे उड़ाएगा और चला जाएगा. बट यस, माय पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड इन मी एंड माय सिस्टर ऑलवेज बिलीव्ड इन मी. तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, अगर वो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता, और यू नो मैं अपने ऊपर इतना काम नहीं कर पाता. आई वॉन्ट टू नो कि वॉट इज योर फेवरेट फूड, मतलब आप वो चीज़ के बारे में, मतलब आपको जब दुख होता है यू ईट एंड यू फील बेटर. ऑनेस्टली पहले पनीर हुआ करता था, ये अब पनीर नहीं, क्योंकि पनीर रोज़ जाता है बॉडी में फॉर प्रोटीन, क्योंकि मैं डाइट कर रहा हूँ तो रोज़ प्रोटीन खाना पड़ता है और उसके वजह से पनीर बोर हो चुका है. और अब मेरा वो खाने का मन करता है जो मेरे डाइट में नहीं, दैट्स केक. आई लव केक्स, आई लव चॉकलेट्स, चीज़ केक्स येस, बट देन आई लव चॉकलेट हेजलनट केक्स. तो जब भी मेरा यू नो कहीं मूड थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, मैं बोलता हूँ डाइट गया साइड में, मैं उठाता हूँ केक, मैं पूरा एक आधा किलो का केक खा जाता हूँ. तो मेरे लिए वो एक ऐसा है कि जब भी इमोशनल फेज होता है, जब भी मैं कुछ ऐसा फील करता हूँ कि मुझे थोड़ा इस इमोशन से बाहर आना है, तो मैं वो दूसरा इमोशन अपनी बॉडी को पास ऑन कर देता हूँ कि मैं खा लेता हूँ, उसके बाद वो इमोशन जो है वो गिल्ट में बदल जाता है. तो उसके बाद फिर मैं गिल्ट फील करता हूँ कि मैंने खा तो लिया, एटलीस्ट यू आर नॉट फीलिंग दैट इमोशन जो आप पहले फील कर रहे थे, तो उससे मैं बाहर आ जाता हूँ. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. अगर अपन कोई थेरेपी सेशन में होते तो बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसमें हम सारी चीजें बात करेंगे जो है प्यार मोहब्बत वाली. टाटा. कुछ कुछ लोगों को देखकर एकदम जेन फील होता है, मुझे वैसे इनको देखकर फील हो रहा है. ही इज सो, इतने काम बैठे हैं, इतने ग्रेस के साथ बैठे हैं. आप ऐसे ही हो, मतलब आर यू लाइक दिस, कि आप शाय और ऑकवर्ड है, मतलब बिकॉज दोनों चीज़ें हो सकती हैं. नहीं, ना मैं शाय हूँ ना ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ. एक्चुअली आई टेक सम टाइम टू ओपन अप. सो व्हेनेवर आई एम अराउंड पीपल जो जिनसे मैं रोज़ नहीं मिलता हूँ, तो मुझे खुलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. बट जब मैं खुलता हूँ तो मैं सारे पीजेज मारता हूँ और लोगों को बहुत, मैं अपने को एक्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को बहुत परेशान करता हूँ. मतलब लिटरली दे हैव टू कम एंड यू नो टेल पीपल अराउंड कि अरे यार इसको कोई रूम में भेज दो, वहीं पे ठीक है. आर यू इन लव, बिकॉज दैट्स माय फेवरेट टॉपिक. या. ओह नाइस. यस. ओके, फॉलो अप क्वेश्चन. And jab we'll be sure about each other when things will be public. Matlab, definitely, you know, I'm a person who would not want a relationship to be private for a longer time. Because chupane wali koi baat to hoti nahi hai. Nahi, and main ye samajhta bhi nahi hu ki just because I'm a public face ya fir main actor hu, to private life ekdam hi chupa kar rakhu main.
ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मैं पब्लिक कर दूं, और ऐसा भी नहीं है कि उसे इतना छुपा कर रहूं कि लोगों को पता ही नहीं कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है. तो यस, आई एम इन लव एंड होपफुली पीपल विल नो अबाउट इट सून. सो हैप्पी फॉर यू भारत. ओके, कैन आई गेस? या. इज शी एन एक्टर? नो. ओ, तो मैं कैसे गेस करूंगी फिर? वाज शी योर फ्रेंड? नो. बहुत मुश्किल हो रहा है ये गेम, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. तो आप नहीं बताओगे नाम? नहीं नहीं. कैन यू टेल मी ऑफ स्क्रीन? नो. आई सॉ दैट देयर वर सो मेनी आर्टिकल्स अबाउट यू एंड उर्फी एंड यू बीइंग इन लाइक वॉट एवर रिलेशनशिप एंड देन ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड आफ्टर. डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट? नो यार, सी ऑनेस्टली मी एंड हर वी आर वेरी डिफरेंट. लाइक हम दोनों बहुत अलग इंसान हैं. एंड ये कहीं ना कहीं वो भी मानती है, इस वक्त मानती है. हम दोनों बहुत इमेच्योर थे. वी वर जस्ट 18, 18 नो सॉरी वी वर 19 व्हेन वी वर डेटिंग एंड वी डेटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन. सो वॉट एवर रिलेशनशिप उर्फी टॉक्स अबाउट इन सम इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ इट, दैट्स नॉट मी. ओह गॉड, शी नेवर टॉक्स अबाउट मी. देयर इज समबडी एल्स. लोगों को लगता है कि वो जिन टैटूज की बात कर रही कि उसने टैटू करवाया था किसी का, दैट्स नॉट मी. That's somebody else, and honestly, even I don't know who that person is. But that whoever it is, वो मेरे बाद आया था. तो I'm glad that she is doing so well in her life. She is doing so well. She is doing so well. Touch wood. And अब शायद मतलब अगर ये journey नहीं रही होती उसकी, तो आज वो वहाँ नहीं होती जहाँ वो है, और शायद मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ. तो हम लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश हैं. And ना कोई regrets है, ना कोई you know नफरत है एक दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब ऐसे माइंड में ऐसा कुछ है ही नहीं कि यार उसने गलत किया था या फिर मैंने गलत किया था. हम लोग थोड़े मैच्योर थे दोनों. हाँ यार, बेबी सी थे. या 19 एंड लाइक, एंड जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था. बहुत ज़्यादा था, मतलब हद है कभी. मतलब अगर उससे पूछा जाए कि मैं कितना पागल था अबाउट थिंग्स, तो वो बताएगी बेटर. But yeah, it was a phase so that sweet. Went up, that passed on. But yeah, we were in touch. अभी उतनी बात नहीं हो पाती है, but बीच में when I was doing झलक दिखला जा, तो हम लोग वापस से हम लोग का मिलना जुलना चालू हुआ था. She was in touch, और वो उसने मुझे बहुत motivate भी किया था. oh. मुझे उसने wish भी किया था for my journey in झलक दिखला जा. So sweet. So yeah, that was very sweet of her. So nice. You, so I have stalked you to another level. तो मैंने आपका एक्चुअली ऐसे भी पोस्ट है कि आई एम इन द प्राइवेट जेट. आई वाज लाइक वेयर इज दिस बॉय गोइंग टू इन अ प्राइवेट जेट? हाउ इज ही लाइक फ्रेंड्स विद अंबानीज? व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट इज इट? नो, दैट वाज नॉट, आई एम नॉट फ्रेंड्स विद अंबानीज, बट आई डिड अ प्रोजेक्ट फॉर देम. दैट वाज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट दैट वाज शॉट इन गुजरात एट I honestly don't remember the place. मेरे माइंड से निकल गया. कोई नहीं. बट उनका वहाँ पे बहुत बड़ी रिफाइनरी है. oh. जामनगर. जामनगर. यस. yes, तो जामनगर में अब ज़्यादा फ्लाइट जाती नहीं है, तो उनका जो प्राइवेट जेट था उसी में टीम सारी उनकी so जो थी शूट cool. की. I was like, मुझे भी जाना है प्राइवेट जेट में. मैं तो वो yeah. सोच रही थी मेरे को भी जाना है. अरु कुछ करना पड़ेगा. कुछ करना पड़ेगा. अब सच में बहुत अंदर से हो रहा है. yeah, it's cool. It is cool, ना? मतलब what's the best thing about it? Best thing, it's private. That's the best thing. We don't have anybody else around. It's like you. There are no babies is... crying in the flight. हाँ यार. ना बच्चे रो रहे होते हैं, ना इतनी आवाज हो रही होती है, ना ठेपले के डब्बे खुले रहते हैं पीछे. तो यार थोड़ा peaceful. Do you not like ठेपलास? No, I love ठेपलास, but then you know flight में अलग-अलग इधर से ठेपला की smell आ रही है, इधर से ढोकले की smell आ रही है, तो ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ बैठे हो आप flight में. तो यार थोड़ा weird हो जाता है. थोड़ा सा weird है, थोड़ा सा. No offense to ठेपलास, you guys. Yeah, yeah, yeah. Please खोलो डब्बे flight में. No problem. No problem. पता चला जो ये interview देख रहे और कभी मुझे flight में देख लिया और खोलने वालों के ऐसे देख रहे. Sorry, बंद कर देते. नहीं नहीं, खोलो खोलो, दस खोलो. Okay, we'll take a short break and then we'll be right back with our fun game. नमस्ते एवरीबॉडी. हाय, आई होप आपका अल्पविराम अच्छा रहा होगा. न्यू वर्ड जो मैंने अभी अभी सीखा है. और अभी बिफोर हम गेम खेले, आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड कि आपने इतने सारे कितने शो किए? हमने चार. फोर. या. उसमें से आपका फेवरेट शो कौन सा था? जो मैं अभी कह रहा हूँ, कुंडली भाग्य. कुंडली भाग्य इज योर फेवरेट? यस यस यस. क्या उसमें इतना फेवरेट? एज इन द टीम. या.
I've got the best team, like the best production team, the best cast, the best crew. Everybody is just perfect and it feels like family. This is the second time I feel like this. The first one was first show, definitely the first show. वो मैं count भी नहीं करूँगा because वो कभी जो भी shows आएंगे उससे compare किया नहीं जा सकता. क्योंकि वो जर्नी लर्निंग जर्नी थी और जो जो सीखा हो वहाँ से वो जो जो फैमिली बनी थी सृष्टि यू नो हमेशा टच में रहती है कभी ना कभी जो भी मेरे लाइफ में होता है सबसे पहला मैसेज उसका आता है फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी एंड शी कीप्स टेलिंग मी दैट शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी एंड इवन आई एम प्राउड ऑफ हर शी डिड अ वेरी नाइस फिल्म मैं देख नहीं पाया क्योंकि शायद मुंबई में उतना ज़्यादा वो लॉन्च पंजाब में ज़्यादा था तो मैं देखूंगा बट आई डेफिनेटली वाच अब उसको मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि आई हैव टू वॉच इट बिकॉज़ शी इज सच अ लवली पर्सन शी इज शी इज हां सो कुंडली के बाद कौन सा शो था जिसमें आपको फैमिली कुंडली दैट वाज वेब सीरीज बट दैट वाज फॉर ऑल्ट दैट वाज दिल ही तो है या तो उसमें करण कुंद्रा मी एंड देयर वर अदर पीपल अभिनव कपूर गुरप्रीत बेदी हम लोग जितना ये सनाया पीठा वाला सो हम लोग की एक फैमिली थी इट वाज अ फैमिली शो लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली शो बेस्ड ऑन कभी खुशी कभी गम तो वो फैमिली वैसी थी लाइक अगर देखा जाए तो करण इज शाहरुख देन आई एम प्लेइंग ऋतिक सो इट वॉज लाइक दैट आई एम द यंगर ब्रदर करण इज माई ओल्डर ब्रदर तो वो जो शो था उसमें एक्चुअली मुझे पता चला कि फैमिली क्या होती है मतलब ये ऑफ कैमरा फैमिली क्या होती है एग्जैक्टली उसके बाद अब जाके मुझे ऐसा शो मिला जहाँ पर मेरे जो को एक्टर्स हैं हर किसी से हर वक्त मिला नहीं जा सकता क्योंकि सबके टाइमिंग्स बहुत अलग है बट हम तीन लोग जो है जो बसीर मी एंड सना हम तीनों जब से हमने शुरू किया है टचवुड वी हैव नेवर हैड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अस कभी हम लोग के बीच में वो जेलसी नहीं रही है कभी हमारे बीच में वो फैक्टर नहीं कि अरे यार तू जल्दी जा रहा है या फिर अरे तेरा पैकअप जल्दी हो रहा है तुझे ज़्यादा छुट्टियाँ मिल रही है कुछ ऐसा था ही नहीं हम लोग जब मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं जैसे कि यू नो हम लोग कई टाइम से मिले नहीं हैं और हमारी बातें जो रहती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं सो वी आर लाइक फैमिली श्रद्धा इज़ लाइक अ फैमिली श्रद्धा इज़ अ वेरी 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 स्वीट को एक्ट्रेस आई हैव गॉट एंड श्रद्धा इज़ प्लेइंग माई मदर इन द शो बट डेफिनेटली शी इज़ नॉट टू ओल्ड उन मुझसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हार्डली कुछ 8-9-10 साल का डिफरेंस है But she is a gem of a person. Anjum is very nice. Everybody on set, like everybody, the one who's playing my Neelam ji, the one who's playing my dadi, everybody, they're just perfect. मतलब उनके साथ बैठकर जो मैं कह रहा था कि लोग बोलते हैं कि ये बकवास करता है बहुत उसको रूम में छोड़ के आओ सबको परेशान करता रहता हूँ मैं पीजे सबको सुनाता रहता हूँ कोई मूवी देख कर आ जाओ तो जाकर स्पॉयलर दे देता हूँ बैठ कर कि अरे आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल समथिंग बीच में बैठ के सबको स्पॉयलर दे दिया कि अरे एंड में ये मर जाता है उसका बहुत ही अच्छा स्पॉइलर है मतलब मुझे समझता है कि अगर एक वाइब होता है ना प्लेस का एंड देन दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट यू डू लाइक एक्टर तो बहुत ही छोटा लाइक एक एक्टर का परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स डेफिनेटली और फैमिली इज सच अ बिग 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 पार्ट ऑफ दैट होल एक्सपीरियंस मेरे शो में पास शो में जो भी कुछ हुआ उसके बावजूद इफ उनमें से कोई भी कहीं भी किसी को भी मिलता होगा अगर मेरे बारे में पूछता होगा उनके पास कुछ बुरा बोलने के लिए है ही नहीं दे कांट से अ सिंगल वर्ड That's against me. They try to search for many reasons, but they don't get any. So yeah, hopefully in future also I believe that Rajan sir will call me for some or the other he project. Will. Yeah, I'm sure about that because you know I never did wrong to him and I never said anything that of that should offend him or unke against maine kabhi kuch nahi kaha. Yeah, that's it. He will. Yeah, मतलब डेफिनेटली आई बिलीव इन दैट कि कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलाइज होगा वो चीज़ की मेरी तो इन सब चीज़ों में गलती ही नहीं थी जिसकी गलती थी वो अभी भी शो कर रहा है तो और वो उनको भी पता है वो उनको भी पता है कि जिसकी गलती थी वो हंसते खेलते वो अभी भी शो कर रहा है
और जिसकी गलती थी ही नहीं, ही हैड टू स्टेप आउट. उसको मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं छोड़ना चाहता था वो शो. अच्छा. आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू दैट शो बिकॉज दैट वॉज माई लाइक लाइफ चेंजिंग शो. बट नाउ फॉर मी दिस शो मैटर्स सो मच. लाइक जो मैं वहाँ ढूंढ रहा था मुझे यहाँ मिला. मतलब वो ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो कि मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा. मैं वेट करता हूँ, 6 महीना रुकता हूँ, मैं 8 महीना रुक जाऊँगा. चलो ठीक है, यू आर टेलिंग मी टू वेट, मैं रुकता हूँ, मैं 6 महीना रुकता हूँ, मुझे दोगे वो स्पेस, ठीक है. मैं इधर आया, मुझे वो सब कुछ रेडी मिला. तो ऐसा ऐसा था कि दिस इज़ डेस्टिनी, दिस वॉज रिटर्न मे बी, कि वहाँ से आप निकलो और आप यहाँ पहुँचो. और जब लोग मुझे पूछते कि आपने अनुपमा क्यों छोड़ा एंड इतना अच्छा शो छोड़ दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, तो मेरे ज़ुबान से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती कि अगर मैं वो शो नहीं छोड़ा रहता तो आज मेरे गैराज में स्पोर्ट्स कार नहीं खड़ी होती. सो दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी. तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पर रहते हुए कुछ मतलब अपना प्रोग्रेस इतने फास्ट कर पाता. मैं कहीं ना कहीं स्टक रहता वहाँ पर फॉर श्योर. व्हिच कार यू हैव? आई जस्ट गॉट अ BMW M3. ओह माय गॉड. या मतलब इट हैज बीन 4 months, बट यस. सो नाइस. कांग्रेट्स. थैंक यू. सो प्राउड ऑफ यू फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग सो गुड. दैट्स एक्चुअली व्हाट आई बिलीव इन, क्योंकि यू वर्क फॉर दैट. और ऐसा होता है कि नोबडी विल स्टैंड अप फॉर यू, बट यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. या यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ. यस डेफिनेटली. एंड यू लाइक माय फैमिली हैज बीन माय डायरेक्ट फैमिली, लाइक माय मॉम, डैड, माय सिस्टर. They have been watching me grow since then. और मेरा growth roller coaster रहा है मेरे life में. मतलब वो roller coaster ही रहा है. First show was Kick-Ass, मतलब मेरी दुर्गा was time slot leader, हमारा जो show था मेरी दुर्गा. But उसके बाद जो second show किया Star Plus का ही था, didn't do that well. मतलब वो ऐसा show था कि मुझे आज भी कोई शायद उस character के नाम से नहीं जानता है. तो मेरे लिए वो show work नहीं किया. फिर मैंने वेब सीरीज़ की. वेब की ऑडियंस बहुत अलग है. वेब की ऑडियंस ऐसी है ही नहीं कि आप रास्ते चलते आपको कोई पहचान लेगा कि अरे ये तो वो जा रहा है. नहीं, वेब की ऑडियंस बहुत अलग है. लेकिन टीवी शो, अगर इफ इट्स अ सुपर हिट टीवी शो, इट्स लाइक अ बिग एवरीबॉडी. लाइक राइट नाउ आल्सो व्हेन आई वॉक इन मॉल और पब्लिक प्लेस, आई सी फेसेस टर्निंग लाइक व्हेन आई एंटर, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड. मतलब एक एक्टर को वही तो चाहिए होता है, अप्रिशिएट करे आपके. एंड जब मेरे मॉम और मेरे डैड और मेरी सिस्टर खुश होती है तो मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं. बिकॉज माय मदर्स साइड फैमिली, मेरे जो मॉम के साइड की फैमिली है, देव ऑलवेज डीमोटिवेटेड मी सिंस चाइल्डहुड. लाइक मेरे लिए इतना ट्रॉमाटाइजिंग, मेरे खुद के मामा, लाइक माई रियल मामा यूज टू हिट मी कि फ्रिज खोल के रखा तो मुझे मारते थे कि फ्रिज क्यों खोला रखा है, बिल कौन तू भरेगा. लाइक आई वॉज अ किड, आई वॉज 12-13 साल का लड़का, अपना खुद के मामा मार रहे हैं कि तू ये करेगा. फिर नाना की डांट, नानी की डांट, और मेरी मासी अगर कुछ कर देती है, एक टी शर्ट ले देती है तो साल भर गिनाएगी कि टी शर्ट लेकर दी है. अभी राइट नाउ आई सॉ माई मदर क्राइंग ऑन रक्षाबंधन बिकॉज उनके भाई ने उनको विश तक नहीं किया. लाइक माई मदर हैज़ बीन सो काइंड टू ऑल ऑफ दीज फैमिली पीपल. बट देन मेरे मॉम साइड के फैमिली वाले उनको कॉल भी नहीं करते. मेरी मॉम ने उनको बर्थडे विश किया, दे डिड नॉट रिप्लाई. सो दे हैव बीन लाइक दैट, दे हैव बीन रनिंग बिहाइंड मनी. लाइक मेरे जो डैड की प्रॉपर्टी है, दे हैव बीन जस्ट रनिंग बिहाइंड द प्रॉपर्टी. दे ऑल्सो वॉन्ट द शेयर फॉर वॉट, नथिंग. बट दे हैव बीन लाइक दैट. तो जब मैं अपने मम्मी के चेहरे पर स्माइल देखता हूँ बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज वॉट आई एम डूइंग एंड वॉट वेयर आई हैव कम फ्रॉम, सो दैट मोटिवेट्स मी. That's the biggest motivation I have in my life, that, you know, I made my parents proud and happy. Because nobody from her family could do that for her. Like, like aap apne mom dad se expect karte ho na, aapke khud ke mom dad aapke saath khade nahi the. Matlab mere liye to nana nani hai, to jab wo mujhe struggle karte dekh rahe the, shayad unko bhi kuch feel hona chahiye tha, but they never felt anything. So yeah, so that way, it has been a roller coaster for me. Yeah, yeah. What a wonderful roller coaster. I enjoyed throughout. So happy for you. Yeah. Such a nice story. Yeah. Say hi to your mom for me. Definitely. Okay, let's play a game. Sure. Yeah? Let's go. Yep. Let's go. Rapid fire questions. Hai ye? Ready? Yep. One, your first celebrity crush. Female? Female. Can be male also, but a female, I'm interested. The female Disha Patni.
Too hot, that goal is. Yeah. Okay. A role you think you can do so much better. My past role? Yeah. So my own role is your, yeah, yeah. कोई भी रोल दैट आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, कोई भी रोल किसी का. द रीसेंट वन सत्यप्रेम की कथा. हां, कार्तिक आर्यन वाला. यस. ओ नाइस. आई कैन इमेजिन यू डूइंग दैट. यस. सो दैट्स माय काइंड ऑफ अ जॉनर. एंड मतलब आई थिंक दैट यू नो आई कैन सी माय सेल्फ देयर. या दैट एंड ऑब्वियसली आशिकी टू. रियली? यस. I don't say ki I can do it better than Aditya Roy Kapoor. But he is too good. Huh? But I wanted to be there. I wanted to be part of Aashiqui 3 because that's my genre. Like I said, Satya Prem Ki Katha, because that was a romantic film. Romantic film. So yeah, such roles. Hoping ki Aashiqui 3 to aaye nahi na bhi. Aaye kya? Ho gaya casting. Ho gaya? Yeah, Kartik Aaryan is playing it. So I think he is in that. Kartik Aaryan is your nemesis. You should talk to him. Yeah. Okay. If you were to sacrifice something to save your sneaker collection, what would it be? Sacrifice. That would be my love telling me to stop. Oh. Yeah. मतलब बोले कि बस कर अब. हो गया वो. रुक गया. रुक गया अब. Yes. I've bought sneakers worth almost a crore. Like एक करोड़ के जूते पहनते हो आप? Yes. मतलब when I calculated the total amount of money I've spent on shoes. That has crossed a crore. So when my this girl, whoever I'm in love with, when just she tell saw her this, name, yeah. I can't tell her name. So yeah, so when God. This girl entered my life and when changed she told me her to, life completely. Yeah, she told me, "What are you doing?" I was like, "Okay, I'll stop." Oh. Nobody made me stop till now, but then yeah, she made you stop. She made me stop. Oh, no, it's so cute. Yeah, I get very happy. I'm genuinely बहुत खुशी हो रही है. Okay. Which actor's wardrobe and style ideas you would like to steal? Ranveer Singh. I knew you would say that. For yeah. some reason, I knew. Yes. मैं उतना ही अतरंगी चीजें पहनता हूँ. कर सकते हो. Yes, yes. Okay. Yes. Rate your co-stars in the order of style and rate them from 1 to 10. 1 being bad, 10 being the best. Okay. Okay. Priyanka Khandelwal. 7. Anagha Bhosle. Style. Style, only style. Around 7, yeah. Paulomi. 8. Muskan. 7. Nidhi. 9. Okay, I have to see that now. Yeah. She's also like, huh? Yeah. Yeah, okay. Yeah, she knows what she is doing. Yeah. How to dress. Okay, nice. Super. I think we've... one celebrity, last question. One celebrity amongst your co-star you would want to date, but abhi aap already date karo, but still in a hypothetical situation. Never my co-actor. Sab log yahi bolte hai couch pe aake. No, but like honestly, I never felt like that. No, matlab, never? Never. Ever? My first was my co-actress. Acha, haan. Oh, okay. So yeah, but okay. After that, I never felt like dating any of my co-actors, but yeah, कभी वो intimacy भी feel नहीं हुई है with my co-actors because like I said कि मैं सबको friend zone कर देता हूँ. Either friend zone or else I tell them that you're my sister. Oh ma. Yeah. So, so I've been doing that for a while now, like a lot of Don't times. Do that to girls. Yeah, but yeah. No. But when I know. But नहीं. Yeah, but when I know that कि कुछ नहीं होने वाला है मेरा, मैं मेरा दिल ही नहीं आने वाला, तो बहन बनाने में क्या problem है? Like, I'll always protect you. Okay. That's what you want. So yeah, that way. ठीक है. हाँ. I mean, okay. It's okay. It's okay. Right. I feel bad for them, but thank you so much. It was such thank a fine. Thank you so much. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे. Same here. So we have a little gift for you. Are you? But you can't eat. But your parents can, yeah. Like mamma can eat. Yeah. But it has makhanas also. So makhanas you can eat. Makhana I'll eat. You can eat makhanas. Can we have the hamper, please? I mean, I really hope इसमें मखाना है, मखाना है. You'll be happy. Thank you so much, Paris. Thank you, thank you. Really, this is a small gift from Rapper Smile. I hope it brings a smile to you. Thank you. And auntie's face. Yes, definitely. You know, this is something I'll eat on my cheat days. मखाना तो मैं खा सकता हूँ. खा ही सकते हो. सब कुछ खा लेना थोड़ा थोड़ा कभी भी कभी. Then thank you so much. This was really sweet. Thank you so much guys for watching us, loving us. Keep watching us, keep loving us, and make sure to add some spice in your life. And like I always say, little is great, too much causes stomach problems. Bye!
टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें।